नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की नई वीडियो में। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते का प्रोसेस गहलोत सरकार द्वारा चलाया हुआ ही चल रहा है, जिसमें बेरोजगारों से इंटर्नशिप भी करवाई जा रही है। नई सरकार से बेरोजगार उम्मीद कर रहे हैं कि इंटर्नशिप प्रोसेस को नई सरकार बंद करेगी, जिसका उस समय बीजेपी विरोध कर रही थी और इसकी उम्मीद अगले बजट तक होने की संभावना है और बेरोजगार इसका विरोध करते रहें तो अच्छा है। लेकिन हाल ही में बहुत सारे मैसेज कमेंट आ रहे थे कि नए फॉर्म अप्रूव क्यों नहीं हो रहे हैं, वो कब होंगे। तो देखिए, मैं बोल रहा था कि फॉर्म एक साथ अप्रूव किए जाएंगे, मतलब जो एक दो महीने से नहीं किए गए थे, दो तीन महीने से, वो तो कल बहुत सारे फॉर्म अप्रूव किए गए हैं। पहले दिसंबर 2022 लास्ट वीक तक के या जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक तक के जो वेरीफाइड फॉर्म थे उस डेट तक के, वो अप्रूव कर दिए गए थे पहले। और अभी कल दिसंबर मतलब जनवरी 2023 के लास्ट में लास्ट तक जो वेरीफाइड फॉर्म है उनको अप्रूव कर दिया गया। इस वीडियो में आप लास्ट तक देख सकते हैं कौन से फॉर्म अप्रूव किए गए हैं, कौन से अभी वेरीफाइड पड़े हैं। तो जिनके अप्रूव हो गए हैं वो लोग अपनी SSOID में टेक्निकल कोर्स डिटेल 15 दिन के अंदर फिल करें, भर दें। उसकी वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और उसके हिसाब से टेक्निकल कोर्स डिटेल आप ज़रूर भर दें, नहीं तो 15 दिन बाद आपका भत्ता बंद कर दिया जाएगा, उसके खुद आप जिम्मेदार होंगे। अगर आपके पास टेक्निकल कोर्स नहीं है तो उसमें नो कर दें और कोई ट्रेनिंग के लिए कोर्स का चयन कर लें, और कोर्स पहले से आपके पास है तो उसमें यस करके कोर्स की डिटेल भर दें। बाकी आप लोग इस चैनल की वीडियोज़ देख सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं।